किसान रल के पढ़ते पे आ संघर्ष का पहाड़ा जी, ताकि कितने किसानी में पै ना जाए और जाड़ा जी। बत्ती नवा शहर देख रहे हो, मैं तो अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी, तुम शेयर अंदाज लगा वीडियो किस बाबत होने वाली है। फिर तो अज जिहड़ा किसानी संघर्ष का पहाड़ा पढ़िया जा रहा और लोगों को जागरूक किया जा रहा, बैन साहब साढ़े नाल, ढेसी साहब साढ़े नाल आ, स्टेज तो बहुत जागरूक किया, कली कली परत खोल के रख दी है। ये भी गल क्लीयर कर दी है कि चाहे केंद्र चाहे सूबा इको जहा ही इन्हों का मनसूबा, हुण कट्ठे होना पैना, एकता दिखानी पैनी है। मिशन 2022 बेशक पोलीटल पार्टिया हो जितना, पर इन्हों कि सारे बराबर हक मिले। ढेसी साहब अज का जोड़ा प्रोग्राम है वो तकरीबन क्लीयर ही है कि नॉमीनेशन जो फॉर्म नहीं भरने किसी ने भी ना ही अलाउ करना जब तक किसानी घोल चल रहा, जब तक काले कानून वापस नहीं हो रहे। तुम इतने पहुंचे हो, किसान बड़ा उत्साह है, तो इतने आके हम की महसूस हो रहा, की फील हो रहा, जज्बात की कह रहे हैं? देखो जी, जिहड़ी असी मेहनत की तीन चार दिन तो बहुते दिन ही होए सानू, क्योंकि इन्हीं दोहां पार्टियां ने कांग्रेस ते अकालिया ने भंगल कलां दे दो अमरगढ़ के दो आदमी खड़े करते जी। सानू पिंड वालों ने बेनती की भी साडे पिंड आ जाओ, असी दोए उम्मीदवार बिठा देंगे। असी शुरुआत जिहड़ी अमरगढ़ तो की, पहले दिन असी इकट्ठे होके भंगल कलां गए, अमरगढ़ गए तो पिंड सारा इकट्ठा हो सी, असी भी काफ़ी बंदे गए तो उत्थे दोहां उम्मीदवारां ने सानू हथ खड़े करके प्रवानगी देती भी असी मिलदियां चोणां नहीं लड़ांगे। तो जिथों तक चोणां दा असी पहले दस्या भई जदों तक भी कोई भी इत्थे घोल चलदा असी बिल्कुल नहीं चोणां होण देवांगे, क्योंकि असी जे इत्थे भी किते कोई भी सियासी पार्टी किसी भी पिंड च वो कोई प्रोग्राम करूगी वह असी डट के विरोध करांगे और उस सवाल पुछांगे। थोड़े दिन होए आ साडे एरिए जिहड़ा अकाली दल का जिला प्रधान है सुरेंद्र सिंह जी राठा, वो साडे एरिए दा रूट रखिया सीगा। असी एक पिंड चो सवेरे सवेरे जरूर कर गया ते दूजे पिंड चो असी उहनूं भजाता, ते बाकी जिहड़े जिन्ने पिंड सीगे सारिआं ने इकट्ठे हो के जिहड़ा उहनां नूं कहता भी साडे पिंड ना आयो, ते जे तुसीं आउंगे साडे तुहाडे नाल कपत होऊगी। ते बहुत सारे पिंडां दे जे कोई इत्थे नॉमीनेशन भरना उहदे नाल भी कपत होणी सी, नहीं असीं कल्ले ऐलान दित्ता सीगा जी जे कोई इत्थे नॉमीनेशन भरन आ गया असीं जिन्ने इत्थे बंदे आ जदे उहदे घर मूहरे चल जाणा, जब तक उहदा पिट से आपां नहीं करांगे, जब तक आपां उहदा पक्का एक तां उहनूं असीं पहले कहता सी भी उह किसान घोल दा गदार होऊगा, ते दूजा उहदे असीं घर मूहरे पक्का धरना शुरू कर देना जब तक उह कदे अपने काज कुग चक नहीं लैंदा उदों तक नहीं असीं उहदे घर मूहरे उठा। अज कोई पहुंचिया भी नहीं, तकरीबन पौने एक हो गए आ और एक बजे तक ही जिहड़ा नॉमीनेशन दा टाइम है कोई पहुंचिया नहीं? नहीं, एक बजे तक है जी, ते सानूं उम्मीद आ पक्की सवेरे सानूं जजमेंट हो गई सीगी भी कोई भी जिहड़ा उम्मीदवार इत्थे जिहड़ा कागज जिहड़ा दाखल नहीं करूगा, क्योंकि उहनां नूं जिहड़ा किसान घोला शिखरां ते आ ते उहनां नूं पता आ हुण भी जे कोई कागज इत्थे दाखल करूगा जिहड़ी मर्जी पार्टी दा बंदा होवे ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਲ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਸਮਾਨ ਸਿੱਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਆ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਆਊਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਬਰਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਬਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 100 ਸੀਗੀ, 100, ਔਰ ਪੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਉਹਨੀ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ,
सारी लड़ाई लड़नी जानते हैं। असीं इत्थे भी ऐलान किया सीगा कल भी, साडियां जे पहला बैंसां होईयां सी उहनां नूं कहा सीगा आई गया जिहड़ा भी इत्थे आऊगा ना नॉमीनेशन करन, वह 600 किसान जिहड़े साडे शहीद हो आए असीं उहनां दी सौं खा के साडे उपरों टप के जाऊगा, कोई असीं आण नहीं देना कोई भी। इह उदां ही नहीं इह हो गया उदां सारा कुछ, इह जथेबंदियां ने बहुत कुछ किया सानूं, तुसीं थोड़ी गिणती आ बहुती गिणती आ, असीं उहनां नूं दस्सता भई तुसीं इक वारी माड़ी जिही तीली लाओ सही, ये तूफान आ जाना पिंडां दे विचों सारिआं लोकां ने उठ के आ जाना, लोग साडे नाल है सारे, कोई इकट्ठा करके देख लवे। असीं नहीं कहिंदे भी कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, अकाली पार्टी खत्म हो गई आ, पर मोर्चे के खिलाफ कदे भी कोई अकाली यार कांग्रसी आम लोगों चो इकट्ठा नहीं होगा इन्हां दे मगर, और वो मोर्चे दे नाल डटे पए आ और मोर्चे की फुल सपोर्ट करते आ, आने वाले समय के बिच भी उन्हें सपोर्ट करते रहना है। तो सवाल मैं जरूर लेने चाहाँगा क्योंकि आम पब्लिक भी कहती है कि किसानों से सवाल जरूर पूछो, मैं पूछ भी ता रहा ताकि कलैरिटी हो जाए। तुसी कांग्रेस का दो तीन बार जो पिछे एम पी आने की कोशिश की, उन्होंने रोकया, सवाल पूछे, डकया, पर जो कई वेले अकाली आते आम आदमी पार्टी वाले आते उन्होंने नहीं, उन्होंने मगर नहीं जाते, वह की कारण है? देखो असी किसी कोई सारे चोर है चिट्टे बंगले नीले मोर, वह भी चोर तो वह भी चोर, इन कोई अंतर नहीं, सारे एक चीज क्लियर करो, चोर है कि डाकू है? डकैट पूरे जड़े इन्होंने अपने घर भर रहे लोगों लुट लुट के जरा जरा चोर है बिल्कुल, और असी एक एक दे पड़दे फोलोंगे कले कले दी लीर लीर कर देवे क्योंकि सानू पता आ इन्हों का क्या क्या नहीं लोगों लुट के बनाया आ, और थोड़े सामने आ मेहनत जरा कोई नौकरी करता आ कोई कुरबानी कर जाए कि मसा जा के 70-75 साल बाद एक पेंशन लगती आ, ये मामे जड़े आ एक बार एम ए वाल एम एल ए बन जाने एक पेंशन, दूई बार बन दे दो पेंशन, कई पांच पांच बादल होनी पांच पांच लाइए, बादल गरीब है और एक घर वाली बीमार हुई वो सहरे थोड़े को इना पैसा शर्म करो माड़ी मोटी भाई, वह इलाज तो अपने को करा लो, 3 करोड़ का बिल जरा सरकारी फंड के पिछों कढ़ा के वेद अमरीका जो इलाज कराया, इन्हों सारिया सहूलत आया लोगों को, इस करके हाँ जे कि धरना ला रहे लंगर भी इन्हों गुरद्वार तो आना है सारा, जिहड़ा साढ़े असी लंगर ला के बैठे साढ़े तो फर्ज बनता, असी देश के लोगों लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अपने घर ले लड़ रहे जो नहरी पानिया लड़ रहे हैं, थोड़ा दस दें इन्हों खेतों तक जोड़ा आ ना हरियाणे जिन्हों की जी जमीन है इन्हें अपने पक्के खाले करके अपने खेत पायो आ, इन्हों की कोई लड़ाई नहीं हैगी, इन्हों सारा कुछ सहूलत मिल रही है, पैसा बैंस लैके कितने जाएंगे? देखो उत्ते तक कोई खाता खुलता नहीं, गुरु नानक पातशाह का सूई भी नहीं जानी है, जो बंद की जी है ना एक गल हो जाए भाई मनुख नहीं मेरा पैसा ही पैसा है पैसा ही पैसा है, और सवाए लुट्टू हो जाता वो हर वेले जरा है ना कारू देख जाने लैके ना किसी ने भी नहीं जाना, आदत तो मजबूर हो गया अफगान वाले ने देख लो थोड़े सामने पता नहीं कल मर जाना परसों मर जाना सारा ही पैसा ए टी एम चो कढ़ा के जहाज भर के वो जाके कि पनाह ले लिया। मोदी साहब ने हम मनना तो है नहीं, चलो पर फिर भी हम जी वरेगंढ आने वाली है, देखो एक साल हो जाना तकरीबन नवंबर 26 नू, और मैं मेरे सुनने च भी आया कि फिर तो मीटिंग हो रही हैं कि क्योंकि हमेशा 26 मनाने कभी 8 महीने मनाए आ हूँ 9वां महीना हो जाना, फिर यह भी सुनने आया कि 12वें महीने हम बहुमा के फिर दिल्ली वाल होर कूच करना होर संघर्ष में तिखा करना होर सुरजीत करना, वो तो की कहना चाहोगे? देखो वो मोर्चे का संयुक्त मोर्चे का जो भी प्रोग्राम होना आई फुल चलाने जो संयुक्त मोर्चा पास करता सू कोई कुरबानी देनी पै जाए वो तैयार पर तैयार खड़े हैं। एक टेक्निकल सवाल पूछूंगा समझियो जरा कि तो यह नहीं कि सिद्धू साहब का हूँ जो कार्ड से वो फेल होंदा हुआ नज़र आ रहा क्योंकि लोग जो एक्सैप्ट नहीं कर रहे कि यह चीज़ का नहीं, हूँ कैप्टन साहब न बहुत हाइप दी जा रही है गन्ने वाला मुद्दा लैके, कैप्टन साहब कह रहे कि चलो जी मैं 500 रुपया मान लैंना तो 400 रुपया मान लैंना, कितने ये पिछले प्रशांत किशोर का दिमाग तो नहीं चल रहा कि कैप्टन हूँ चमका दो कैप्टन किसानों की गल मान लगे तो फिर कैप्टन के चकारे लग जाऊंगे? देखो इतने कोई पता नहीं लगता किनू चमका किनू मराना है, यह सारा कुछ जोड़ा आ वो ज जिस एड्डी पुरानी पार्टी अपने आप में भंड बन गया प्रधान, देखो जी एक दुखी का काम नहीं करना सिर्फ टपूसियां लाने तो बगैर वह कोई काम नहीं है, ये कैप्टन ये सिर्फ जोड़ा आ जो भी होना आ ये बिल्कुल चोणों के मद्देनज़र होना आ। मैं उही गल कर रहा ना कि कई लोग ये भी सोच रहे हैं असी भी आपस में सलाह कर रहे थे कि यह चीज़ इस करके तो नहीं कि कैप्टन हूँ क्योंकि मोदी उन्होंने तो जो काले कानून वापस नहीं किए, जे कैप्टन साहब थोड़ी गल मान लेंदे जलंधर जो धरना लगा फिर कैप्टन साहब की हाइप कितने जाएगी?
जाएगी। यही कहा जाएगा ना कि कैप्टन साहब ने किसानों की गल मान ली है, धरना चक हो गया, कैप्टन साहब 2022 चमक के सामने आने। बिल्कुल बिल्कुल, चोणों की पॉलिसी आ, नहीं तो इन्ना चिर हो गया, 4.5 साल तो उपर इन समा हो गया, इन्हें एक दुखी का काम नहीं किया, घर घर नौकरी देनी आ, न्याणियों मोबाइल फोन देने आ, राशन दे देना आ, शगन स्कीम दिखनिया। स्टेज तो भी गल कह रहे थे, बहुत चंगी गल सी, समझो जरा, बैंस साहब ने स्टेज तो भी कहा घर घर रोजगार देवे, कहेंगे 50 लाख परिवार ने भारत पंजाब 50 लाख नौकरियां देनिया कितों इन्होंने, एक बार ये तो सवाल करो, ये स्टेज तो कह रहे जी। बिल्कुल कोई देखो सरकारी नौकरी देने का वादा कर, प्राइवेट मामे लगते, प्राइवेट तो अपन नौकरियां आवे लभ लैनिया, कोई गल नहीं, किसी फैक्ट्री वाले लवेंगे, अभी किसान के नाल लगना है वो लग जावे, अभी किसी लाले दुकान से लगना उसे लग जावे, इन्हों की मामे की बच क्या रह लैनी फिर, इस करके ये कह भाई नाल दी नाल जे नौकरी देनी है सरकारी देनी है किहड़े अदारे देनी है दे लैना। पर इन्ने अदारे है कि तुसीं खेतीबाड़ी जिहड़ा मंत्रालय की गल कर रहे थे, खेतीबाड़ी दफ्तर की गल कर रहे थे, उत्ते बजुर्ग बैठे ने, नवी कोई भर्ती करे ही नहीं रहे, कर रहे बिजली बोर्ड है ना, ये लखा मुलाजम जिहड़े भर्ती किए जा सकते हैं, लखा ही मुलाजम, पर करना नहीं पॉलिसी है इन्हां दी, प्राइवेट तो कम करा सारा। कोई स्नेहा जाते जाते देना, देखो एको स्नेहा आ भाई साथियों तगड़े हो जाओ, और मोदी नू नथ दिल्ली तो पा के आना आ, और नथ जी बट के तुसी लगे जानी है पिंड वाले, एक बार एन जरा ना सानदार रस्सा जरा नरोआ जहा बट के वो आप दिल्ली वालू चले पाइए, ता ही दिल्ली कोल दी इत होनी मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। सो तुसी पूरी इन्हों के मन के विचार सुन रहे, असी इन्हों मुलाकात भी की है, गलबात की है, 1 बज गया जी और नॉमीनेशन देने कोई भी नहीं आया, क्योंकि किसानों ने कहा सीगा जे कोई नॉमीनेशन भरन आएगा तो उन्होंने घर के बाहर धरना लगेगा। हालांकि इन्होंने भी कहा कि असं दबाना नहीं किसी चाहते, पर अपनी आवाज़ में उपर उठा चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं, लोगों उत्ते चकन की है, लोगों उपर लैके आने की, क्योंकि पॉलिसीज लोगों बन दया ने, किसी पोलीटल पार्टी नहीं बन दया, और पंजाब किसी पोलीटल पार्टी का नहीं है, ये पंजाबियों का, तो असं वही बेनती करा कि जिंदगी जिंदाबाद रहे, मेरा ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬੀਬਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।